नमस्कार दोस्तों, जय जगन्नाथ। मैं हूँ अरुंधति और आप देख रहे हैं गार्डनिंग विथ अरुंधति। दोस्तों यहाँ पर देखिए येलो क्रिसेंथेमम कितनी बढ़िया से खिल रहे हैं। और दोस्तों अभी शाम का वक्त है, 5:30 बज रहे हैं और मैं यही टाइम पर ही काम करती हूँ क्योंकि स्कूल से आने के बाद अभी रात में 5 से ऊपर हो जाता है शाम का, तो यही समय पर ही काम करती हूँ। थोड़ा सा अंधेरा होने चला है। तो आज मैं जो बात करने वाली हूँ एक कैलेडियम के प्लांट के बारे में, जो प्लांट मेरे लिए लेके आई थी। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये वाइट वाले क्रिसेंथेमम कितनी बढ़िया से खिल रहे हैं यहाँ से देखिए। और दोस्तों ये बहुत खूबसूरत से फूल खिल रहे हैं, तो मेरा मन करता है कि मैं हर वीडियो में आप लोगों को दिखा दूं और क्या क्या फूल खिल रहे हैं और क्या क्या खिलने वाले हैं। तो दोस्तों आज जो प्लांट के बारे में बात करने वाली हूँ वो है कैलेडियम। यहाँ पर चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये है वो प्लांट, ये देखिए कैलेडियम का प्लांट, बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है। और ये प्लांट को आज मैं लगाने वाली हूँ दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है। हालांकि कैलेडियम अभी डोरमेंट में रहता है, तो पर ये प्लांट तो बहुत खूबसूरत है। लीव्स थोड़ा सा छोटा छोटा हो रहा है, बहुत थोड़े से मिट्टी में ही लगा हुआ है। और इसी को मैं आज ये वाले मिट्टी के पॉट में लगा रही हूँ। ये 8 इंच का पॉट है। 8 इंच के पॉट में ये देखिए छेद भी बहुत अच्छी तरह से है। इसमें मैंने यहाँ पर ये देखिए एक ठिकरी देकर इसकी ड्रेनेज होल को कवर कर लिया है। और मिट्टी तो मैं हमेशा बनाकर ही रखती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये गार्डन सॉइल है और कोकोपीट और थोड़ी सी इनमें बर्मी कंपोस्ट मिला हुआ है, चाय की पत्ती की थोड़ी सी मिली हुई है और नीम खली मिली हुई है, और इनमें मैंने मिलाया है थोड़े से सिंगल सुपर फॉस्फेट। ये मिट्टी को बहुत अच्छा करता है, तो इसमें थोड़े से मैंने सिंगल सुपर फॉस्फेट भी मिला लिया है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया मिट्टी बनकर तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। और इसी को पहले थोड़े से डाल देते हैं पॉट में। ये देखिए, इसको हमेशा ऐसे ही पॉट में डालते ही मिट्टी को थोड़ा सा दबा देना चाहिए, अपने हाथ से दबाएं या फिर कोई टूल का सहायता ले ले और इसको दबा दें ताकि जो मिट्टी है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। ये देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल रेड मिट्टी में लगा हुआ है। ये देखिए रेड मिट्टी है पर अच्छी मिट्टी है। ये देखिए ज़्यादा चिकनी नहीं है। ये देखिए, और फिर भी थोड़ा थोड़ा मैं इसको नीचे से हटा रही हूँ। इस मिट्टी को भी मैं यूज़ कर लूँगी। ये देखिए छूने से ही ये गिर रहा है, तो ये बिल्कुल चिकनी मिट्टी नहीं है। ये देखिए, ये ऊपर से भी निकल रहा है। ये देखिए इस तरह से, तो जितना हट रहा है मैं इसको हटा रही हूँ। और दोस्तों ये प्लांट को अभी इतना बड़ा पॉट की ज़रूरत नहीं है, छोटा सा प्लांट है। तो ये देखिए, और थोड़े से मिट्टी डाल देते हैं, बहुत नीचे रह। ये देखिए अभी ये सही है, और चारों तरफ से मिट्टी भर देंगे। ये देखिए अच्छी तरह से मिट्टी को प्रेस कर देंगे और ये बिल्कुल लगकर तैयार हो गया है। यहाँ पर ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये प्लांट, आप बताइए। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, और इसको अभी पॉट मिल गया है, अच्छी मिट्टी भी मिल गई है, तो ये इसकी ग्रोथ अभी बहुत अच्छी हो जाएगी। बहुत ही प्यारा सा प्लांट है ये दोस्तों। और इस तरह से ये प्लांट अपना बेबी पॉप्स निकालता रहता है यहाँ से, और निकलते रहते हैं, और इसका जो राइजम है, राइजम नीचे फिर बनते रहते हैं। तो ये जब डेवलप हो जाएंगे तो बहुत सारे राइजम हो जाएंगे, तो बहुत सारे ये प्लांट बिल्कुल ये पॉट को भर लेगा। तो दोस्तों यही था एक छोटा सा वीडियो। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। पसंद आने पर दोस्तों लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के साथ।
ताकि मेरे हर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। फिर किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो के संग आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जगन्नाथ।